जब एक दर्जी की कैंची चलती है तब कपड़े आकार लेते हैं, और जब सेंसर बोर्ड की कैंची चलती है तब फिल्मों की बनावट बदलती है। जी हाँ, हम CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे हम सेंसर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। साथ ही साथ बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 25 अन्य गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जहां अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करी जाती है। आपको बता दें, भारत में किसी भी फिल्म को रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह बोर्ड भारत में प्रदर्शित होने वाली विभिन्न श्रेणी की फिल्मों के लिए सर्टिफिकेट जारी करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कौन सा ऑडियंस ग्रुप उस फिल्म को देख सकता है। आज भारत में सेंसर बोर्ड के 9 कार्यालय मौजूद हैं। CBFC के द्वारा फिल्मों को किन किन कैटेगरी में सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे।